नमस्कार स्टूडेंट्स, आई अमरनाथ गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 35 ऑफ क्लास 7 मैथमेटिक्स। दिस वर्कशीट इज फॉर 3rd दिसंबर 2021। टुडे आवर टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। लेट अस रिकॉल स्टेट ट्रू और फॉल्स। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन सेम प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द इंटायर लोन पीरियड। प्रिंसिपल सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सही है। अमाउंट बराबर में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये गलत है, ये प्लस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में पी आर और टी, तो पी को यहाँ पे पी को क्या कहेंगे, पी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता है टाइम। तो इस तरह से फॉर्मूला, इसी को रेट यदि निकालना हो तो ये सिंपल इंटरेस्ट और इनटू ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रिंसिपल अपॉन में टाइम, प्रिंसिपल इनटू टाइम हो जाएगा नीचे में। टाइम बराबर में सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और प्रिंसिपल इनटू रेट हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ सवाल, एक अ फार्मर फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्सर फर्टिलाइजर्स बोरो अ लोन, इतना लोन लिया कोऑपरेटिव बैंक से, आफ्टर टू ईयर्स पेड, इतना पेड किया, तो फाइंड द रेट ऑफ परसेंट पर एनम, रेट निकालना है। तो प्रिंसिपल आप देखिए, प्रिंसिपल तो ये था जितना लिया था और जितना चुकाया वो अमाउंट है, तो इसमें से घटाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर में क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल घटाएंगे तो ये आ गया 1200। तो टाइम दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूले पे सजाइए, आर बराबर में होगा पी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। तो आप देखिए 1200 ये है इंटरेस्ट और ये 100 और ये आपने मतलब पैसा लिया था कितना, 10,000 और इंटू टाइम है 2 ईयर, तो 1010101010, दूसरा जीरो दूसरा, तो ये कट गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो 6% पर एनम हो गया। दूसरा दिया हुआ है, इन व्हाट टाइम विल अ सम मनी डबल इटसेल्फ, डबल हो जा रहा है। तो मान लेते प्रिंसिपल पी है, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कुछ दिन बाद डबल, तो 2p हो जाएगा, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया ए माइनस पी होगा, तो यानी 2p में से पी गया, यानी पी ये भी हो जाएगा इंटरेस्ट। आपको रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना 5%, तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर में पी इंटू आई इंटू 100 पी इंटू आर। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आई कितना है, पी है और ये भी 100 और पी तो पी है ही, आर हमें दिया हुआ 5, तो ये पी से पी कट गया, ये कट हो गया 20, तो ये 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर्स द मनी विल डबल्ड एट द रेट 5%। अब कह रहा है यदि टाइम को मंथ में लिया जाए, मंथ में दिया हुआ है, तो इसको ईयर में क्या करेंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 से, तो टी को मतलब टी बाय 12 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 12। यदि टाइम टी को डे में लिया हुआ है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो इतने से हम टी को 365 से डिवाइड कर देंगे। आइए सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये हो जाएगा 1500। अब रेट निकालना है, तो रेट बराबर में इंटरेस्ट यानी
फॉर्मूला क्या है, रेट के रेट बराबर में आर बराबर में फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है 1500 और टी दिया हुआ है पी दिया हुआ है, देखिए पी दिया हुआ है 5000 5000 और टी दिया हुआ है 5, तो 2020 गया 1 52 जा ये हो जाएगा, अब 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 ईयर में ये हो जाएगा डबल, तो रेट हो जाएगा 6%, रेट हो गया यहाँ पे 6%। अब नेक्स्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 40,000। अब रेट दिया हुआ, टाइम निकालना है तो टाइम बराबर में टी बराबर में फॉर्मूला है आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। तो आई कितना है आप देखें, आई है आपके पास 8000, तो यहाँ पे 8000 और ये 100 अपॉन में ये 40000 इंटू आर दिया हुआ है 10, तो 1010 फिर एक ए ये इससे ये गया इससे ये गया इससे ये गया। तो अब इसको यदि हम करते हैं सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो ये हो जाएगा 2 ईयर में इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है जो कि व्हाट परसेंट, परसेंट आपको ज्ञात करना है, अमाउंट मतलब इतना सम्स मनी बिकम इतना, तो ये दिया हुआ ये हो जाएगा पी ये हो जाएगा ए, तो आई निकालना है तो इसमें से डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 9000। अब टाइम दिया हुआ टी बराबर में 4 दिया हुआ है, आर निकालना है तो आर बराबर में आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर पी इंटू टी। तो अब देखिए आई दिया हुआ है 9000 100 और पी दिया हुआ है आपको 18000 हो गया, और टाइम आपको दिया हुआ 4 साल, तो 10 यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, आपको रेट निकाल इतना परसेंट हो गया रेट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है ये कह रहा है, पहले टाइम देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल होता है, तो ये 19 से 20 1 साल और 21, तो टाइम हो जाएगा 2 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो पी दिया हुआ है 10000, आर दिया हुआ है 5.5%, तो आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बराबर में पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो ये हो जाएगा पी दिया हुआ है 10000 इंटू टाइम दिया हुआ है आर दिया हुआ 5.5 और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, तो ये हटाएंगे तो ये नीचे में 10 लगाएंगे और ये 100 यहाँ पे पहले से था, तो 1010101010 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 110, को 10 से करेंगे तो इतना, तो इतना कितना इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया 1100 लगेगा। ये था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।